हेलो, ये कंगारू वाले एक्टिंग करती हो आप। सो गाइस, मेरी काशू को हो रहा है फीवर 102, तो अभी दवाई लेकर आई है। तो अभी दूध पी रही है बॉटल से, दूध पी रही है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, वेलकम तेरा कौन सा न्यू ब्लॉग है। सो गाइस से मिलिए, ये है मेरी नीस। लगती है देख के, नहीं ना लगती, नहीं कोई कवाड़न है, गजब बेइज्जती है। सो गाइस, अभी हो रही है शाम के बज रहे हैं 6:30। गाइस, हम ना अभी फोन स्क्रॉल कर रहे थे तो हमें कोई डिश दिखी, तो हमारा मन कर गया, बहुत यम्मी सी डिश थी वो, सोचा हम बना के ट्राई करते हैं कि हमसे बनती है या नहीं। मेरी भाभी ने भी देखी है। कुछ बोलना चाहोगे आपके बार बार आ रहे हो मेरे ब्लॉग में, बोलो आगे आगे। इसको देख के लगता नहीं कि बीमार, क्योंकि हमेशा ही एक्टिव रहती है बहुत ज्यादा। चलो गाइस, हम चलते हैं किचन में और डिश देखते हैं क्या बन रही है, क्या नहीं। भाभी तैयारी कर रही है। सो गाइस, तैयारी स्टार्ट हो चुकी है और डिश, भाभी डिश का नाम क्या है? मैं इसमें से देख के बना रही हूँ, मुझे नहीं पता डिश का नाम। तो देख रहे हो, डिश का नाम ही नहीं पता। और हमने तो बल्ले बल्ले, नहीं तो इसका नाम है टेस्टी डेजर्ट। टेस्टी डेजर्ट। तो अभी हम इसका खोया बना रहे हैं। हमने ब्रेड रख लिया है, ड्राई फ्रूट्स रख लिए हैं। टेबल पे ले जाओ ड्राई फ्रूट्स को ना इसमें। चलो बच्चों, हेल्प करवाओ, चलो सारे चलो ड्राई फ्रूट्स को कट करो। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ब्रेड्स लिए और हमने ब्रेड्स के सारे कॉर्नर्स हमने कट कर लिए। और हमें क्या करना है, अपने ब्रेड्स को हमें डिवाइड कर लेना है, बीच में से काट लेना है। और उसके बाद गाइस, हमें दूध तब तक पकाना है जब तक वो थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए, हमें रबड़ी की तरह बनाना है। तो यहाँ पर हमने अपने ब्रेड सारे अलग कर लिए हैं। डाल दो गाइस, अगर आपके पास केसर ना हो ना तो ठंडाई भी डाल सकते हो, तो हम सोचे ठंडाई डाल दो। इधर देखो, काशू भी हेल्प कराती है हमारी ना। बच्चों ने लड़ाई नहीं करो, बंद करो। आप रहने दीजिए, ये लड़ाई नहीं रुला दिया ना बेचारी को, गुस्सा हो गई मेरी काशू। काशू क्या हुआ? और कुछ नहीं करेगी। अरे मेरी बेटी किशमिश नहीं डलवानी, ठीक है उसी पर है। काशू क्या अम्मा डांट रही है? अरे छील खाएगी तू कोसे हो मेरे काशू को, मत डांट करो जा पीछे जाओ। सो गाइस, केसर आ चुका है, हम डालेंगे इसमें केसर। खुल नहीं रहा ये टास्क का, तुम्हारे लिए खोल के दिखाओ तुम्हें। खोल दिया। अरे वाह, जल्दी खुल गया टास्क तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा केसर।
ऐसे जल्दी मेल्ट हो जाता, कलर छोड़ देता है ये अपना। ये किसकी चाय है? दूध की। क्या बोली? देती क्योंकि तुम उल्टे हो ना, इसलिए उल्टे जवाब दे रहा पसंद करते हो। पूछ रही थी सोने का का बेटा, नेकलेस का बोल रही थी। बेटे मैंने दूध का बताया, तुमने बोलो चाय किसके। मैंने नेकलेस का बोला था, मैंने सोने का तो नहीं बोला। सोने का नहीं, उसका बोला था नेकलेस का, ये बोला था। तुमसे ना हो पाएगा। देख क्या बोल रही है, ये मैं खुद को पता है। बस कम गैस पे, कम गैस है ना, इसमें दूध डालो थोड़ा। तो गैस हमने इसमें केसर डाल दिया, तो हमें चलाते रहना जब तक वो अच्छे से रबड़ी ना बन जाए। तो गाइस हमें ना थोड़ी सी ब्रेड को हमें चूरा करके इस दूध में थोड़ा मिक्स करना, ताकि इसकी ग्रेवी जल्दी गाढ़ा हो जाए, ताकि ये जल्दी गाढ़ा हो जाए। इसमें बता रहा है 15 मिनट में रेडी। 15 मिनट से ज्यादा हो गया, हमारा दूध तो गाढ़ा हुआ ही नहीं अभी तक। ज्यादा बोल जाते हैं ये, ज्यादा ही है ना रील वाले। 15 मिनट से दूध में लग गया, 15 मिनट से ज्यादा ही हो गया हमें दूध में। देखना अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है इसमें। डाल टाइम तो लगता ही है। दूध को जितना अच्छा पकाओगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा, खोए जैसा। ये गार्निश के लिए, गार्निश के लिए। अच्छा अभी नहीं डालना? बस डाल दिया, बहुत सारे डल गए इसमें ऑलरेडी, पहले से डले हुए। So guys, ये तो कंप्लीट हो चुका हमारा, हो अब बन गया। अब इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा हो जाए थोड़ी देर। तो गाइस आज पता क्या हुआ दिन में, हमारे साथ थोड़ी ना नई ट्रेजेडी हुई। हम गए थे कतर मार्केट थोड़ी शॉपिंग करने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए गए थे। और ना दिन में इतनी तेज धूप निकल रही थी, मैं बता नहीं सकती इतनी तेज धूप की गर्मी लग रही थी हमें। उसके बाद हमने थोड़ी शॉपिंग कर ली, हमें 2-3 चीजें और लेनी थी। तो हमें 2-3 चीजें ना और लेनी थी। उसके बाद मौसम ने हमारे साथ ऐसा खेल खेला, बादल चेंज और बारिश स्टार्ट हो गई। फिर हम जल्दी घर पे आए, जैसे जैसे हम घर पे सिर्फ हमने एंट्री करी, एंट्री करने के बाद इतनी तेज धूप निकली ना, थोड़ा मूड खराब कर दिया। पता नहीं मौसम को हमसे क्या प्रॉब्लम थी, मतलब खेल खेल गया हमारे साथ। तो फिर क्या, कुछ नहीं, हमने आधा सामान लिया, आधा सामान लिया ही नहीं। फिर हम ऐसे गुस्से में बैठे, मैं तो गुस्से में बैठ रही थी, हमारा समय नहीं आया था। गाइस इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं छोटे भगोने में, नहीं छोटे पतीले में। लग रहा बहुत ज्यादा ही हमें होगी। ये हमारे घर में थोड़ी बूढ़ी अम्मा रहती है मेरी। अपनी बता रही हो क्या? अपनी बता रही हो है? और क्या, अब जिससे खास है उसकी बता रही हूँ। यू मेरे को एकदम से खांसी आ गई थी। ऐसे ऊपर से हम डाल देंगे काजू बादाम, इसमें भर भर के डला हुआ है। जमा देंगे 1-2 घंटे के लिए, हम इसको जमा देंगे गाइस 1-2 घंटे के लिए। और फिर फ्रिज में, फ्रीजर में रखो। बाय बाय, हम मिलते हैं 1-2 घंटे के बाद। सो गाइस अगर आपको कोई भी शरीर में कुछ भी चटकाना हो, कान गर्दन हाथ पैर, तो इस लड़की को कांटेक्ट करें। ये मेरे कान चटकाने जा रही है, ये पता नहीं क्यों। गर्दन, मेरी गर्दन टूट जाएगी ना, तेरे को तोड़ दूंगी। हाँ चटका, अगर कुछ हुआ मेरे कान टूटे, हड्डी चटक गई, अरे भाई कान में हड्डी होती है ना। कान में हड्डी होती है, दर्द होएगा ना तुम्हारे। देखो अगर भाई मेरे कान, इसमें एक चीज दिखाती हूँ, यहाँ पे एंटरटेन चल रहा है। Thank you.
ठुमक ठुमक, हाँ ठुमक ठुमक वाला करके दिखाओ। तब हिटा तू पाटी बाटो मा चमा पहल घुंगरु बजने क्या कुटमा दार क्या रखना हाँ तू मैं चूड़ी छनारा चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। ये क्लैपिंग। सो गाइस हमारी रेसिपी बन चुकी है, अब हम भगवान को थोड़ा भोग लगा देते हैं। सो गाइस अब हम इससे पूछेंगे कैसे बनी है, खा के बता। अब भाभी बताएंगी खाके। वैसे ये भाभी की मेहनत है, भाभी ने ही बनाया था। बहुत अच्छी बनी, मैं रबड़ी लग रही है बिल्कुल, और देखने में तो अच्छी लग रही है देखने में। अब मैं ट्राई करती हूँ। यम्मी। काशी आप ट्राई करो, बहुत टेस्टी है। मैं नहीं कर रहा। आप नहीं कर रही? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। सो गाइस मैंने तो खा के देख लिया डिश, बहुत यम है। आप भी ट्राई करना घर पे, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है ये। इसको हम पता क्या बोलेंगे, बोलेंगे ब्रेड डेजर्ट बोल सकते हैं, ब्रेड रबड़ी बोल दो, कुछ भी बोल दो। हमें एग्जैक्ट नाम तो पता नहीं क्योंकि हमने खुद फोन में देख के बनाई है, बट ट्राई की थी हमने बना के कि हम बना सकते हैं, कैसे बनेगी खा के देखते हैं, क्योंकि हमने वीडियो देखी थी ना, बहुत टेस्टी लगती थी सच में, और खाई है ना हमने, बहुत ही अच्छी है, बहुत सिंपल है। इसकी मैं बताती हूँ क्या क्या चीज़ हमें चाहिए। इसमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दूध, ब्रेड और ड्राई फ्रूट्स और केसर और चीनी। भाई ये चीनी तो नॉर्मली होती है, मैं जब भी बोलती हूँ ना ब्लॉग के लिए गाड़ियों के बाद ज़रूर आती है। चलो बंद हो गई, सिर्फ इतनी चीज की जरूरत है, बाकी जैसे बनाए आप देख लेना। गाइस इस ब्लॉग को मैं करती हूं एंड, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय, बोल बाय बाय।